उसी दरमियान में जो हम जिंदगी की रफ्तार में थोड़ा नौकरी के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे थे और उसी दरमियान हमको ये बिजनेस देखने को मिला। बस मेरा दुर्भाग्य ये समझिए कि इतने सफल व्यक्ति से नहीं मिला, इतने अच्छे हॉल में नहीं मिला और लोकल लेवल पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये कहे कि मैंने एमबीए किया है एंड माई लाइफ चेंज। और उन्होंने पूछा क्या कारण तुम्हारा बिजनेस करने का है, मैंने कहा कोई कारण नहीं, हम लोग कोई कारण नहीं जानते, हम बहुत सीनियर सिटीजन हैं, समझ गए 20 साल पुराने लोग हैं, कोई मेरा कारण नहीं था। बस इतना कारण था कि उनको मना नहीं कर पाया, जिन्होंने बताया उनको मना नहीं कर पाया। और इस तरीके से आज इतना बढ़िया जो प्लान आपने देखा है, इतने सफल व्यक्ति से आपने प्लान देखा है, पहले हम चाहते दिल से अगर निकल पाए। अब ये काम इतना बड़ा काम, चूंकि हमारी सबसे बड़ी आदत होती है, मैं अभी अमेरिका जब गया तो वहाँ पे जॉन मैक्सवेल को हमने सुना और उन्होंने एक शब्द बोला कि गेटिंग ओल्डर इज नॉट गेटिंग बेटर एंड वाइजर। हमको ऐसा समझ में आता था कि सीखना नहीं है, उम्र बड़ी होती जाएगी हम ज्ञानी होते जाएंगे, उम्र अगर बड़ी हो गई तो अज्ञानी हो जाएंगे अज्ञानी। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्ञान का, अगर आप एसोसिएशन में नहीं है, सीख नहीं रहे, क्या सीखते थे? जितना झूठ फरेब मक्कारी बेईमानी हेरा फेरी लबड़ी तेली दाए बाए इधर की टोपी उधर का कर, ये तो मैं कभी कर ही रहा था तो क्या सीख सकता था। बहुत मदद की इस सिस्टम में, मैं चाहता हूँ इसलिए दिल से धन्यवाद। मैं 15 लोगों का बाप हूँ आज की तारीख में, सोचिए आप, 2 बेटियों की हमने शादी करी, तीसरी बेटी बहुत दिन में आज बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, हिमाचल में है, लिफ्ट में है, और एक बेटी हमारी चौथी थी, मतलब वो तो समझिए वंदना की बेटी समझिए, कि बहुत ही ज़्यादा वेरी डायनेमिक एंड वेरी पैशनेट अबाउट फ्यूचर एंड जितने भी इनोवेटिव इनोवेशन हो सकते हैं उस पर वो फोकस रहती है। बेटा है, खूब सारी जिम्मेदारियाँ हैं और इस प्लेटफॉर्म की बहुत हेल्प है। यही आकर के मेरा कारण सपना बना। और ये समझिए कि आप, मतलब मुझे कई बार ऐसा होता था कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। अभी एक बात हो रही है एक इंसान की जिसके बारे में, क्योंकि आज से 20 साल पहले मैं अभी गिन रहा था तो मैं 51 कंट्री गया हूँ अभी तक, आई ट्रेवल 51 कंट्री। और आज से 20 साल पहले अपने हवाई जहाज नहीं देखा था और जो व्यक्ति आया था वो कह रहा था कि मैं अमेरिका से लौटा हूँ, मुझे बहुत मुश्किल हुआ उसको विश्वास करने में। उस टाइम के मास्टर्स कंप्यूटर्स ऑरेकल, मतलब उनकी अंग्रेजी हमारी हिंदी दोनों मिलती जुलती थी, सोचिए। और 20 साल पहले हमने उस इंसान को देखा और कई बार देखा, एक बार में तो ये लगा कि सब गड़बड़ है, 10 बार के बाद ये विश्वास आया कि नहीं यार है तो दम, क्योंकि हम सब लोग अभी तो क्या बोला था, हम सब बहुत मेहनती लोग हैं, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हम तब तक व्हाट्सएप पे, अभी बताते हैं चाइना की जो ऐप आए हैं और उन ऐप में जितनी गंदगी हो सकती है उतनी है और 120 करोड़ लोग देख रहे हैं, उसमें 60 साल से लेकर के 80 साल के सब ज्यादा देख रहे हैं, जितना गंदा हो सकता है उतना गंदा कर रहे हैं। सोचिए, मुझे विश्वास नहीं हुआ, धीरे धीरे करके विश्वास हुआ और उस विश्वास की परिणति क्या हुई आप सोचिए कि मैंने 2003 में जॉब छोड़ा और अतुल ने जो यहाँ पर लिखा था समय, इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज लिखी, मैं पीछे बैठा बहुत ध्यान से सुनता रहा, इन्होंने एक शब्द लिखा था कि नाम कुछ भी दे दो बहाने कुछ भी कर लो, लेकिन करीब करीब 95-97% लड़ाई किस बात की है, किस बात की लड़ाई, कोई बहाना कर दीजिए, हमारी बीवी पसंद नहीं, वो बेटा हमारा पसंद नहीं, माता जी हमसे कुछ बोल देती, पिताजी कुछ बोल देते, ये वो सब जितनी लबड़ी मेरे हम लोग करते हैं उसके पीछे कम से कम 95-97% कारण होता है मनी। ऐसा नहीं कि मल्टी मिलियनियर हो गए अरबपति नहीं है, लेकिन आप सोचिए कितना पैसा हमें इस बिजनेस में आकर के मिला कि मैंने 2003 में जॉब छोड़ दी और जिंदगी के जितने उतार चढ़ाव हो सकते हैं, जीना मरना हंसी खुशी शादी ब्याह, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और सबसे ज्यादा जो हमें आकर के मिला वो ये मिला है कि इस मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा मिली,
कि आज हम टुडे आई कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ कैनिंग ऑफ लाइफ। मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी दिक्कत आती तो मैं एक ही शब्द अपने आप से बोलता हूँ, व्हाई गॉड चूज मी। ये प्रॉब्लम अगर आई है तो क्यों भगवान ने मुझे चुना, इसका मतलब गॉड वांट टू सी कि हाउ डू यू हाउ यू विल फेस इट हाउ यू विल सॉल्व इट। ये ताकत नहीं आ जाती। और उसमें जो पैसे की बात करें, पैसा मिला ऑफ कोर्स तभी नौकरी छोड़े, उसके बाद टाइम मिला खूब सारा टाइम, और उस टाइम में सबसे बड़ी चीज है कि शायद मुझे ऐसा लगता है मैं चैलेंज कर सकता हूं इस कमरे में कोई भी हमसे ज्यादा काम नहीं करता हूं, कोई गारंटी है। जितनी जिम्मेदारियों से जिंदा अगर आप ऊपर रख दी है तो तीन चार दिन आप चैलेंज खा लू, बस कुछ तो ऐसे ही पहले दिन ही खत्म हो जाए। सोचिए, और ये सब जो चीजें जो यहां पर मिली, मेंटल स्ट्रेंथ मिली, जो करेज मिला, जो आज सोच पाए, जो टाइम मिला, तो ऐसा नहीं कि जो टाइम मिला था कुछ उल्टी सीधी चीजें करनी है, हम बहुत काम करते हैं। लेकिन आप सोचो अगर उस काम को आप करना पसंद करें, जिस काम को आप पसंद करते हैं, इफ यू विल डू व्हाट यू विल लव, आप देखिए ट्रिमेंडस स्ट्रेंथ रजिंग सब कुछ। मुझे इस काम से बढ़िया, मैं IIM कैलकटा पढ़ा के आ गया हूं, मुझे इस काम से अच्छा कोई काम नहीं करता, क्योंकि दुनिया का ऐसा पहला इकलौता काम है जहां पर लोगों की आपको हेल्प करनी है दिल से। हेरा फेरी झूठ भरे मक्कारी इसकी टोपी उसका सर वाला काम नहीं है, और ये सीखने में बहुत टाइम लगता है। इस बिजनेस को करके समय मिला, पैसे मिले, और सबसे जो खूबसूरती बात है कि हेल्प मिली। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लैपटॉप आईफोन 10, 7, 9 सबके पास है, क्या पढ़ा होगा भाई आप बताओ। हम उस जमाने के हैं, अभी मैं आपको बता दें किससे पढ़े, पट्टी बुद्धि कैसे पढ़े। और हमारा बेटा पूछता पट्टी बुद्धि क्या क्या होता है, हम कहते हैं ये बहुत आईफोन 10 से आगे की बात है। क्या बताओ क्या उससे अगर कहते हो हमने खड़िया से पढ़े तो बोलते हैं उससे लकड़ी तकती, बोले तभी तो आपको पापा कुछ भी नहीं आता, कंप्यूटर कुछ नहीं जानते, ऐसे बोलेगा ना। मैं उस जमाने का व्यक्ति हूँ, सोचिए मैं बच्चों को क्या पढ़ा सकता हूँ, ये मैंने एक ही चीज कर सकते कि अगर हम स्वस्थ हैं, और आज हमें ऐसी जानकारी मिली है कि जिससे देखकर के हमारे बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं, इतना बदलते परिवेश में अर्थों ने इतना बढ़िया तरीके से हेल्थ के ऊपर बात करी है, आज बच्चों को कितने सारे चैलेंज आ रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को अपने परिवार को बचा ले जाए, भूल जाइए पूरे संसार के बारे में, हर आदमी ये चाहता पूरा संसार बदल जाए, बट नोबडी इज रेडी टू चेंज हिमसेल्फ। आप चैरिटी दान कुछ तब करिए, पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, यू विल सी द वर्ल्ड इज डिफरेंट, यू विल सी द पीपल आर डिफरेंट। अपने आप को पहले मजबूत करिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अगर आप नहीं तो बात नहीं बनेगी, और जब तक समय और पैसे हेल्प और अच्छी एसोसिएशन नहीं मिलेगी बात नहीं बनेगी। ये कंप्लीट पैकेज है। इस बिजनेस को करने में बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं कि समझिए मैं जिनके घर में गया हूं उनका कितना 750 वर्ग मीटर घर बना लगभग, सोचो। और जब मैं उनके घर गया तो पता लगा कि वो कहने लगे कि भाभी तुम्हारी जमीन आएगी, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम उनको, मेरे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, वो प्रॉब्लम हमारी उनकी इतनी है कि हम लोग बातचीत नहीं करते। बताओ 5 करोड़ मकान होगा खर्चे में, बेटा जॉब कर रहा कोई मतलब नहीं, बिटिया जॉब कर रही कोई मतलब नहीं, कुत्ते घर में उनसे कहते डॉगी लव यू आई लव यू प्लीज ओके सॉरी सॉरी, वो दुम दुमे में ला देता, सोचते कुत्ते तो समझा रहे यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत बात, बताओ 5 करोड़ रुपया का घर बनाने के बाद में अगर यही रिलेशनशिप है और यही जिंदगी है तो फिर बात ठीक नहीं, फिर क्या कर रहा, फिर कौन सी सफलता है, किसको खुश कर रहे हैं भैया। ये सोच ये समझ कहां से मिलेगी। मैं आप सब लोगों से एक चैलेंज करता हूं, 18 तारीख को जो व्यक्ति आ रहा है, अगर आपको वाकई इस बिजनेस की पूरी गहराई समझ, मुझे 20 वर्ष हो गए हैं, ज्यादातर लखनऊ बिल्डर हमको जानते हैं, मैं कोई काम कंस्ट्रक्शन का नहीं करता, और जब मैं एक बार उनके साथ बैठ जाता हूं तो वो या तो करना बंद कर देते हैं या वो पूरे हिट जाते हैं। हम केवल एक ही चीज आपसे बात करते हैं, जो भी यहां पे है अगर आपको पूरी गहराई से समझनी है तो ये अतुल भी टिकट दिखाया, ये 10 टिकट लीजिए, उसमें 24 रुपए के 10 टिकट आते हैं, सोच रहा हूं। और आप ऐसे समझ लो कि आपका पैर का एक अंगूठा टूट गया है और उसको ठीक कराने के लिए 2400 रुपए लगेंगे,
आपके पास पैसे नहीं तब भी करोगे कि नहीं करोगे, आप उसको करिए। और ये 2400 का टिकट लेकर के इसलिए ताकि ये 10 लोगों को अगर आप लेके जाओगे तो एक अलग सी बिजनेस की बारीकियां क्या है, बिजनेस होता कैसे है, ये लीडर्स मीटिंग आपको एक घंटे की मिलेगी और उस इंसान से मिलेगी जिस इंसान के मुंह से डॉलर निकलता, भाई साहब पैसे नहीं निकलते डॉलर, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, मेरी कम से कम 10-20 पीढ़ियां उसका घड़ी रहेगी कि अगर वो इंसान नहीं होता तो साधन कर लिया। तो आप इस तरह की टिकट लीजिए, नहीं है तो आप 2400 रुपए रख के और जहां भी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा पूजा की अलमारी जहां आप जाओ वहां आप रख दीजिए, बोले ये 18 तारीख को इस्तेमाल करें, 10 लोगों को हम लेके जाए, ये काम ही करेंगे। आपके घर में भी बंदना क्या बोला 18 साल से पहले तुम जैसे बात कर रहे थे, आपके घर में 18 साल से कोई भी हो हम रहेंगे, हम आपसे चैलेंज करते हैं, गारंटी करते हैं, अगर कोशी को भी लेके आए और वो कहते हैं कि बकवास है उसके 240 मैं दूंगा, ये मेरी गारंटी है, आई प्रॉमिस टू यू। अब तो लोगों को पकड़ के ला सकते हो कि नहीं, कैन यू डू दैट? यस, ट्रस्ट मी, एमवे 3-4 गुना बड़ा हो जाएगा, 2025 से पहले हो जाएगा। आज सबको इसकी जरूरत है, आप सब लोग हैं जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन एक रास्ता है, एक मौका, एक विश्वास तो मिले, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग वहां पे 18 तारीख तक पूरी ताकत लगाइए और आपके घर परिवार खानदान में कोई बहुत तोड़ रखा है और अपने आप को 30 बार का समझता है तो 11 तारीख को गाजियां भेज देना, 11 तारीख हम रहेंगे, आप बता देंगे कितने तीरंदाज है और वहां से आकर के जो आदमी उनको सीधा लग जाए मेरी गाड़ी के, हम गाँव के लोग हैं, होने वाले लोग हैं, चलते नहीं है और चलते तो एंड सब तोड़ देते हैं, हम सब में मौका करते हैं, हमें केवल एक विश्वास की जरूरत है, हमें केवल अपने आप को केवल विनम्रता की जरूरत है ताकि उस वोट पर जाए कि आई वॉन्ट टू लव एंड आई वॉन्ट टू ग्रो एंड आई वॉन्ट टू चेंज। आज हमारे पास सबसे बड़ी कोई दिक्कत है, एक तो एरोगेंसी है, एक इग्नोरेंट है, हम बहुत अड़गे हैं और सीखने को तैयार हैं, हमको ऐसा लगता है हमने कुछ पढ़ाई कर ली तो ज्ञान का उथलना हमारे पास है, आपका अपनी फील्ड क्या है, रिस्पेक्ट दैट फील्ड। अभी यह सत्या जी आकर के शेयर मार्केट की बात कर रहे थे, मैं शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं जानता हूं, बंद्रा जी है, ICW के हैं, ये अकाउंट्स बात करेंगे, ठीक है, मैं सिविल इंजीनियर हूं, सीमेंट कितनी देर में जमता है, ईंटा कितनी तरह होती है तो मैं जानता हूं, तो ऐसा कहने की आपका ज्ञान कमजोर है हमारा ज्यादा है, लेकिन ये नए तरह का व्यवसाय है, ये लोगों का बिजनेस है, इसको कैसे किया जाएगा इसको सीखना पड़ेगा और सीखोगे तभी इस बात को मानो कि सीखना है और वो तब तक नहीं होगा जब तक कारण नहीं होगा, सपना नहीं होगा। अगर आपके बिजनेस में दिक्कत आ रही है तो लिख के दे सकता हूं आपका कारण नहीं, और वो कारण आपको 18 तारीख को देखने को मिलेगा, प्लीज मिस मत करिएगा, सोम सर किसी का इंतजार नहीं करता, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।